दोस्तों वर्ल्ड कप के 22वें मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया है। यह इस वर्ल्ड कप का तीसरा उलटफेर है। चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 282 रन बनाए और अफगानिस्तान ने 2 विकेट खोकर 286 रन बनाकर मैच जीत लिया। दोस्तों आपको क्या लगता है, पाकिस्तान इस बार सेमीफाइनल तक पहुँच पाएगी या नहीं, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया है। यह इस वर्ल्ड कप का तीसरा बड़ा उलटफेर है। इससे पहले अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया था और दक्षिण अफ्रीका को नीदरलैंड्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। दोस्तों इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 282 रन बनाए। जवाब में अफगानिस्तान ने 49 ओवर में 2 विकेट खोकर 286 रन बनाए और 8 विकेट से मैच जीत लिया। पाकिस्तान की ओर से बाबर ने 74 रन और अब्दुल्ला शफीक ने 58 रन की पारी खेली। वहीं अफगानिस्तान के लिए इब्राहिम जादरान ने 87 रन, रहमत शाह ने नाबाद 77 रन और रहमानुल्लाह गुरबाज ने 65 रन बनाए। कप्तान शाहिदी ने नाबाद 48 रन बनाए। दोस्तों पाकिस्तान के लिए बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक ने अर्धशतक लगाए। बाबर ने सबसे ज्यादा 74 रन बनाए, अब्दुल्ला शफीक ने 58 रनों की पारी खेली। आखिरी ओवरों में शादाब खान और इफ्तिखार अहमद ने शानदार बल्लेबाजी की और टीम को 282 रनों तक पहुंचाया। दोनों ने 40-40 रनों का योगदान दिया। सऊद शकील ने 25 और इमाम उल हक ने 17 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान सिर्फ 8 रन बना सके। शाहीन अफरीदी 3 रन बनाकर नाबाद रहे। अफगानिस्तान के लिए नूर अहमद ने 3 और नवीन उल हक ने 2 विकेट लिए। मोहम्मद नबी और अजमतुल्लाह उमरजई को 1-1 विकेट मिला। दोस्तों 283 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की शुरुआत शानदार रही। गुरबाज और इब्राहिम ने पावर प्ले में ही 60 रन जोड़ दिए। इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 130 रनों की साझेदारी की। गुरबाज 65 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद इब्राहिम ने रहमत शाह के साथ मिलकर 60 रन जोड़े। इब्राहिम 87 रन के स्कोर पर आउट हुए, लेकिन इसके बाद अफगानिस्तान ने कोई विकेट नहीं खोया। शाहिदी और रहमत शाह ने तीसरे विकेट के लिए नाबाद 96 रन की साझेदारी की और अफगानिस्तान को ऐतिहासिक जीत दिलाए। विश्व कप में पहली बार अफगानिस्तान की टीम ने 2 मैच जीते हैं। वहीं वनडे में पहली बार पाकिस्तान को अफगानिस्तान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। अब पाकिस्तान की टीम लगातार 3 मैच हार चुकी है।